कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तलाश में दाने दाने की, इंसान भी लो घर से निकला, इंसान भी लो घर से निकला, धुन रोटी दाल कमाने की, धुन रोटी दाल कमाने की, लो भोर हुई। आग में आग लगाने की, इस आग में आग लगाने की, लो भोर हुई पंछी निकले, लो भोर हुई पंछी निकले, काला चुम दाने दाने की, काला चुम दाने दाने की, लो भोर हुई। कल का ठिकाना कोई नहीं, कल का ठिकाना कोई नहीं, ए हम दम आवाज लगा, ए हम दम आवाज लगा, ये बेला जगन जगाने की, ये बेला जगन जगाने की, लो भोर हुई पंछी निकले, लो भोर हुई पंछी निकले, काला चुम दाने दाने की, काला चुम दाने दाने की, लो भोर हुई। दुनिया के संग हम सब क्यों चक्कर खाते हैं, हम सब क्यों चक्कर खाते हैं, ठोकर खाना और ठुकराना, ठोकर खाना और ठुकराना, क्या रीत यही है जमाने की, क्या रीत यही है जमाने की, ओ भोर हुई। ओ राधे जमुना के तीर, राधे जमुना के तीर,
थे जमुना के तीर। भाई दूसरा महीना खलास होने को आया, अभी तक पैसा नहीं दिया, हमारा मालिक बहुत गुस्सा होता है। तुम तो भैया ऐसी बातें करते हो जैसे साल भर गुजर गया। बाल बच्चों का घर है, देर सवेर हो ही जाती है, कभी किसी को साड़ी चाहिए, किसी को जूता चाहिए, कभी दवा दारू में थोड़ा बहुत उठ जाता है। अच्छा अच्छा, वो दूध वाला भैया आज भी पैसे के लिए तकाजा कर रहा था। हाँ हाँ सब सुन चुका हूँ, अगर वो अब जब मांगने आए तो पूरी कहानी मत दोहराने लगना, कह देना कि अगले महीने हम पैसे मिलेंगे तो सब चुका देंगे। वो तो सब ठीक है बाबा, मगर हमारे 5 रुपए का क्या होगा, 3 दिन से मांग रहे हैं हम। हाँ हाँ आपके 5 रुपए भी मिल जाएंगे। कारखाने से 80 रुपया तनख्वाह पाते हैं और बाबा से भी 5 रुपया मांगते हैं। अरे तो 80 रुपया हम अपने पास थोड़ी रखते हैं, सबका सब घर में ही तो दे देते हैं। आप भी ठीक कहते हैं भैया, साल 6 महीने में 1,500 रुपए मांग लिए तो क्या बुरा है पिताजी, आपको 5 रुपए देने ही पड़ेंगे। अच्छा अच्छा चौधरी, दे दूंगा दे दूंगा, सुबह सुबह मैं दमाग मत चाटो। अरे दो ना। एक बात कहो, उस रुपए के बारे में कहना चाहती हो जो मैंने अपने दोस्त के पास जोड़ रखा है? वो नहीं निकलेगा, वो उसी दिन काम आएगा जिस दिन दूसरे सब सारे टूट जाएंगे। क्यों आपके पास नहीं है? अरे आस्ता बोल, 10 रुपए का नोट है तो मेरे पास दीजिए, मैं तुड़ा के लाती हूँ। किशन भैया के भी तो 5 रुपए देने हैं। अरे 5 रुपए के लिए 10 रुपए का नोट तो आ जाएगी, तू तो जानती मैं कभी झूठ नहीं बोलता। किशन जी के 5 रुपए भी दे दूंगा और दे दूंगा नहीं चली जल्दी जरा, तेरे 6 आने हो गए। कल मिल जाएंगे कल मिल जाएंगे, कल आती ही नहीं सुषमा। अच्छी बात है अच्छी बात है, पहले नाश्ता वास्ता कर लेना फिर गुस्सा कर। मैं नाश्ता वास्ता नहीं करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा। देखो मैं वादा करती हूँ शाम को जब लौटेंगे तो मैं जरूर दिलवा। तुम चुप रहो। माँ कल मिलेंगे ना, पैसा जब जोड़ रखा है अपने दोस्त के पास तो किस दिन काम आएंगे, 5 रुपए भी नहीं मिलते हमको। गुस्से की बात तो है ही भैया, नाश्ता तो बिल्कुल ना करना, भूखे पेट ही चले जाना। अरे भाइयों मैं सेठ के पास जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, आप जी आपके पुराने दोस्त श्यामलाल जी ने आपके लिए चिट्ठी दी है। अच्छा अच्छा श्यामलाल जी, सालों से उसे मिलना नहीं हुआ, कैसे हैं वो और आप उनके? जी वो मेरे बाबा के दोस्त हैं और मेरा नाम अशोक है, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। अच्छा मास्टर, आज ड्राइवर लोग काम नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं जरा देख रहा हूँ, आप यहीं ठहरिए मैं अभी आया। कहो यारो क्या बात, हम सब लोग का मांग पूरा होएगा तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। हम इंसान है जानवर नहीं है मास्टर। ठीक बात है सेठ जी, आ जाए तो मैं उनसे खुद बात करता हूँ, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। ओह हाँ माफ कीजिएगा, अभी तक आपकी चिट्ठी नहीं पड़ी। अच्छा आप ऐसा कीजिए इस दिन शाम को घर पे आ जाइए, आराम से बैठ के बात होगी, यहाँ तो आप देख रहे हैं सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं। अच्छी बात है, दरअसल मैं आपके पास नौकरी के सिलसिले में आया था, श्यामलाल जी ने कहा था कि अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकें और कहीं नौकरी दिलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा आप ऐसा कीजिए घर पे आइएगा, बैठ के वहीं आराम से बात होगी, जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर जी, लारियां अभी तक काम पर नहीं गई। सर जी एक अर्ज करना है। फिर क्या बात है? इन लोगों की दो चार तकलीफें हैं, अगर दूर हो जाए तो क्या बुरा है।
दिन भर बेचारे काम करते हैं, मरते हैं। मैंने कह रखा है कि दो चार दिन में सोचकर जवाब दूंगा। उन लोगों से कह दो कि अपने अपने काम पर लग जाएं। अगर काम रोक कर मेरा नुकसान किया तो एक मांग भी पूरी नहीं करूंगा। जाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात। देखो यारो, चार दिन के लिए खामोश हो जाओ। चार दिन के बाद बात होगी और उम्मीद है कि फायदे की बात होगी, और न हुई तो फिर देख लेंगे। हम तुम्हारे साथ में हैं। अब अपने अपने काम पर जाओ। तो तुम गोदाम से जाकर माल उठाओ। क्यों मास्टर, क्या हुक्म है? दिलबर खान ने कहा खुश मास्टर ने तुमको याद किया है तो गुलाम हाजिर है, बोलो। वाकई जी, पहले ये बताओ जेब में नामा कितना है? यही 10-12 का माल मसाला होगा। 5 रुपए बढ़ा दो। किशन जी से कई दिन से वादा कर रहा हूँ मगर दे नहीं सका। आज जरूर फ्रूट किया होगा। एक बात कहूं मास्टर? जरूर कहो बाकी जी। हम लू के पट्टे भी तो गरीब आदमी हैं। ठीक बात है, मगर हम अपनी गरीबी छुपाते नहीं। साफ कह दे रहे हैं कि लो भाई लो, हम तो गरीब आदमी हैं, जिसे जो बिगाड़ना है सो बिगाड़ ले। ये भी ठीक है बाकी जी। जब सभी ठीक है मेरे यार, तो झूठ बोलने में क्या मजा आवे तुझे? अपनी गरीबी क्यों छुपावे? मुझको गरीबी से नफरत है बाकी जी। सो तो हमें भी है मास्टर, पर एक बात कहूं, दूसरों से जो जी चाहे सो कह ले, मगर बाल बच्चों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है मास्टर, बहुत बुरी बात। मेरी मानता है तो उनसे साफ साफ कह दे कि तूने कोई पैसा वैसा नहीं जोड़ रखा है, सब झूठ है। झूठा ही सही, मगर सहारा बहुत बड़ी चीज है बाकी जी। मेरे बच्चों की जिंदगी में एक उम्मीद तो है, एक आस तो है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल गरीब हैं, तो उनका दिल टूट जाएगा। पर एक न एक दिन तो मालूम हो ही जाएगा मास्टर, फिर क्या होगा? ऊपर वाला बड़ा दयालु बाकी जी, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा। ओ जी तेरी मुट्ठी में है जो खजाना, उसे यारों से ना ही छुपाना। ओ जी रुक जाना, जरा मुस्काना, हमें तड़पा के तरसा के जानना। ओ जी जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम भरी। जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम भरी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, शान रह जाएगी सब धरी। इतराना ना
अपनी खोटी अठन्नी पे इतराना ना ओ जी ओ जी। चल मेरे दिल चले हम वहाँ न पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की इसमें अपना ठिकाना कहाँ। पछताना ना छोड़ कर ऐसी दुनिया को पछताना ना ये रुक जाना जरा मुस्काना हमें तड़पा के तरसा के जानना ओ जी ओ जी। तेरी मुट्ठी में है जो खजाना उसे यारों से ना ही छुपाना ओ जी रुक जाना जरा मुस्काना हमें तड़पा के तरसा के जानना ओ जी दोस्त कैसे हो हा? हमारे सर में दर्द है बाबा। और हमारे दिल में दर्द है सरकार। हमसे बातचीत नहीं होगी। अरे मिनटों में सिर का दर्द ठीक कर देते हैं। हमारे हाथ में ऐसी जादू की पुड़िया है जो आलो फालो सब ठीक कर दे। इस उम्र में खेल सूझा है बाबा। हम भैया की वकालत करेंगे, हम इनका मुकदमा लड़ेंगे। आप पर इनका 5 रुपया चढ़ा हुआ है और मियाद पूरी हो चुकी है, इसलिए आपको सूद के साथ इस डिग्री का पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर हम न चुकाएं तो? तो फिर आपने जहाँ भी पैसा जोड़ रखा है उस पे दांत आ जाएगी और सब पुरख हो जाएगा। अरे ऐसे मौके पर जिस तरह बड़े बड़े ना माल अखबार छुपा के रख देते हैं ना, हम भी छुपा के रख देंगे। तो फिर कानून आपके साथ सख्ती करेगा। अच्छा तो यही होगा कि हम अपना कर्जा चुका दें क्या जी? कितने की डिग्री हम पर? 5 रुपए और 8 आने सूद। ओह सूद मैं नहीं दूंगा, मैं असल रकम चुका देता हूँ। ये लीजिए वकील साहब आपके मुवक्किल के 5 रुपए। लीजिए साहब आपके 5 रुपए और मेरी फीस ढीली कर दो। क्या भरोसा तुम हमारा पैसा खा जाओ? हमें नहीं चाहिए। भैया आप दौलत को ठोकर मारते हो। ये नहीं चाहिए। अरे वापस ले लो बेटी, किस दूसरे काम आ जाएगा। वापस ले लो, जैसे मैं उल्लू छोड़ दूंगा। वकालत मैंने की, दफा 420 लगाई और मेरी फीस। भैया आईना लाऊं, कंघी लाऊं, पाउडर, लाली, डाक गाड़ी गुजर गई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे किशन जी को कुछ हवा लग चली है। जब 5 रुपए जेब में आए और चले बंठन के, खूब खराब कर दिया है उसे तुमने अपने लाड़ प्यार। अच्छा भला किया वो तुमने, बुरा किया तो मैंने। हाँ ये तो है ही। पर उनकी माँ अपने किशन को कुछ गुंडा बदमाश न समझना। वो जहाँ जाता है मैं जानता हूँ। मैं भी तो सुनो कहाँ जाता है। एक लड़की है। लड़की? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। लड़की ऐसी कि गैस का हंडा लेकर भी ढूंढोगी तो ऐसी लड़की न मिलेगी, हजारों लाखों में एक। गुण अच्छे, ढंग अच्छे, सभी कुछ अच्छे। पर ये लोग मिलते कहाँ होंगे? अरे यही कहीं बाग मिलते होंगे या रास्ते में। हैराम रास्ते में। ओहो तो माँ जी आपको इन सब झगड़ों की क्या फिक्र पड़ी है? और पिताजी आपको कितने दिन से कह रही हूँ कि एक मिस्त्री को भेज देना, नहीं तो वो छत गिर पड़ेगी। अरे बेटी मैं भूल जाता हूँ, आज बाकी जी से कहकर जरूर मिस्त्री भिजवा दूंगा। मैं जरूर भिजवा दूंगा। हाँ, हाँ। जरूर भिजवा देना, नहीं तो आज भी भूल जाएंगे। जमुना
जमुना, कहाँ हो तुम? जमुना, जमुना, ओ जमुना। दिल दीवाना, दिल मस्ताना, माने ना लगी बुझाना, बुरा जमाना जाने ना। सुना सुना पहलू है दिलदार कहाँ, भीगी भीगी रातों का वो प्यार कहाँ। हो के लिए चारा भी लाया हूँ। देख मगर ये तुम काहे को पैसे बर्बाद करते हो? मैंने सोचा पहले से ही दो चार चीजें लाके तुमको दे दूँ, नहीं तो शादी के बाद तुम रोज रोज मेरा नाक में दम करोगी। तब मैं तुमसे खुशी मांगूंगी, जो कुछ मुझे मांगना था वो मैं मांगूंगी। जो तुम दे चुके हो उससे ज्यादा और कुछ तुम दे भी नहीं सकते। क्या बड़ी चालाक हो तुम, जब देखो दिल की बात। तुम भी दिल की बातें करो, तुम्हें नहीं आती क्या? यही तो मुश्किल है, दिल के सब धंधे आते हैं मगर दिल की बात करनी नहीं आती। मैं सिखा दूंगी। कब? शहनाई बजेगी तब। ए भाई, अपना नाम राघु है, राघु। अपू ने शहनाई बजाता है। ये पूछता हूँ कि भटनागर बाबू का मकान कौन सा है? ओ, ये चपना बैड लक है। जाओ बाबा जाओ, सामने वाला मकान है, सामने वाला। ये सामने वाला? हाँ हाँ सामने वाला। अच्छा मेहरबान। अरे देखो तुम सामने वाले मकान में जाता है ना,
अपन तुमको एक बहुत हाई कलर चैलेंज का बात बोलता है। बोलो। देखो तुम आज लड़का बहुत अच्छा है, अपन एक बात बोलता है, तुम उधर जाएंगे ना तो जाने के साथ ही शादी का ट्राई मारो। देखो भाई खाली अच्छे से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे शादी में अगर अपन का शहनाई नहीं बजाया तो अपन कसम से बोलता है जिंदगी भर तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहेगा, और जिस रोज तुम मरेगा उस रोज से तीन दिन तक ठोकर में शहनाई बजाएगा। नहीं राघव दादा ऐसा कहीं होता है नहीं ना, तुम्हारी शहनाई जरूर बजाएगा ना, देखो जरूर बजाना। बहुत अच्छा मालूम होता है, अपना काम बन जाएगा, अपन को जरूर चैलेंज मिलेगा। हाँ हाँ वही मिस्त्री होगा, बाबा ने भेजा होगा, अब आया तीन दिन के बाद। आप मिस्त्री हैं? जी हाँ जी हाँ, मैं मिस्त्री हूँ, मुझे भटनागर जी ने भेजा है। सूरत से तो मिस्त्री नहीं दिखाई दे, शायद आप शौक से मिस्त्री बन गए हैं। क्या आपके बाप दादा भी मिस्त्री थे? जी हाँ जी, नहीं वो मिस्त्री नहीं थे, मैं मिस्त्री हूँ। मैं किसकी मरम्मत करना है? किसकी मरम्मत? ये आप कैसी बातें करते हैं? पूछो किस चीज की मरम्मत करना है? ओ माफ कीजिएगा, बात यह कि मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कहिए किस चीज की मरम्मत करनी है? अच्छा अच्छा आ, आ, अंदर देखो, ये छत खराब हो गई ना, ये पटरियाँ निकल गई है ना, हाँ यहाँ से ये ठीक कर दे रहा, समझे? ये इधर की उधर की, हाँ समझे ना। अरे आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? छत की मरम्मत करनी है, मेरे मुंह की नहीं। जी हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं बराबर कर दूंगा मरम्मत। अच्छा अच्छा तो काम शुरू कर दो। थैला हथौड़े किले का आज तो सिर्फ काम देख रहे हैं, आपके बाबा से मजदूरी तय करके कल फिर आ जाऊंगा। तो आपकी मजदूरी नहीं थी? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि घर पे एक छोकरी है। छोकरी कहा था? जी हाँ। आप झूठ कह रहे हैं। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। छोकरी कहा था? जी हाँ छोकरी कहा था। जी हाँ जाऊँ? शायद कुछ और कहा था उन्होंने। जी हाँ उन्होंने कहा था कि घर पे मेरी बेटी है। हाँ ऐसा कहो, बेटी कहा होगा? जी हाँ। तो काम शुरू कर दो। पर वो आज मैं वो थोड़ी वगैरह कुछ लाया नहीं। मैं ला देती हूँ, शुरू कर दो। ठीक है जल्दी मैं लाती हूँ, करो शुरू। ऊपर आके तख्ता रोको ना। हाँ हाँ ना, किला कैसे लगेगा? ऊपर आओ। हाँ समझ गए, अब यहाँ से पकड़िए। हाँ तुम तो बहुत अच्छे कारीगर मालूम होते हो, बहुत सी चीजें बना लेते होगे नहीं? जी हाँ बहुत कुछ बना लेता हूँ, मेज कुर्सी पलंग भाकड़ा तोते का पिंजरा। आप तोता नहीं पालती? तुम पालते? जी हाँ आज ही पाला है। तो फिर वो क्या बोलता होगा? जी नहीं बहुत कुछ बोलता है वो, बिल्कुल बोलता है वो पाला है। तो तुम्हारी औरत को तोते का शौक होगा नहीं? जी औरत को तो नहीं, बच्चों को बहुत शौक। तुम्हारे बच्चे? जी हाँ सात। सात? हाँ। सब लड़के? जी नहीं चार लड़के हैं चार लड़कियाँ। तो फिर आठ हो गए ना? सात तो है, आपकी लड़की की बारी है। तो फिर तुम्हारे शादी को कितने दिन हो गए? शादी किसकी?
कैसे मिस्त्री हो तुम? कौन गधा मिस्त्री है? तुम, अगर मेरा मुंह टूट जाता तो? कभी नहीं टूटता। हाँ टूट जाता। मैं कहता हूँ कभी नहीं टूटता। कभी नहीं टूटता, बड़े आए मिस्त्री। अरे अरे बेला बाबू, बेले आजो बाबू है, पत्नी कैसी तू मिस्त्री समझ बैठी? अरे नीचे उतर पकड़ के, नमस्ते नमस्ते, नीचे नीचे उतर, तुम्हें वो मिस्त्री समझ बैठी पगली। बेला अशोक के लिए चाय ले आए, अरे मिस्त्री की मजदूरी तो बेली होगी। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, जल्दी करो जल्दी। समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतने सुस्त क्यों हो गए। सेठ जी, मैंने इन्हीं के बारे में आपसे कहा था। यह अशोक बाबू और ये हमारे सेठ जी। अब तक क्या धंधा था तुम्हारा? जी कॉलेज में था। हाँ, और बीए भी पास कर लिया? जी हाँ। अच्छी बात है, दो तीन दिन बाद आके मिलना। सात बावन, तुम घड़ियाल को दीजो, एक आठ बयालीस, एक आठ बयालीस, भाव के धक्का एक आठ। आजा नीचे। हाँ फसूल जरा फार रही है। चल तुझे एक बात बताऊं, भाइयों का तेवर देख ले जरा गौर से। देख लिया? कसम हनुमान की एक नहीं जावेगा मास्टर, भाव का धक्का एक नहीं जावेगा। क्यों क्यों? कमाल कर रिया है मास्टर। अरे वो मोटी गर्दन वाले का वादा भूल गया? चार दिन का वादा किया था, मांग दे रही हूँ, बोनस दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, कहाँ है? कसम हनुमान की अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो काम पर एक नहीं जावेगा मास्टर, एक नहीं। थोड़ो दिलवर खान। नहीं जाएगा मास्टर, नहीं जाएगा। हमारा मांग किधर, पैसा किधर, बोनस किधर? कसम परवरदिगार आलम का, अगर हम जाएगा तो पठान का बच्चा नहीं, पूछ बोलो। ओ मास्टर, अभी तो बेबी मोरिस नहीं चलाते, दो टन का ट्रक चलाने है, दो टन का। पता तेन कितना जोर लगता है, एक खान पीन वाली गलती नहीं। बराबर है मास्टर, बराबर है। खुदा का कसम, पीला होश पे मोहब्बत का मंत्र बेचेगा, 20 रुपया रोज का कमाएगा। बिल्कुल ठीक है खान, कुछ नहीं होगा तो फुटपाथ पे जाके तीन पत्तों की अली नहीं चलाएगा? तीन पत्ते की अली चलाएगा, माँ कसम पुलिस पकड़ के अंदर नहीं कर देगा। चल भंकज मत कर, फट फट काम पे लग जा। देख बे काले बनारसी, कसम हनुमान की कहिए, अगर तू बोलेगा तो कलेजा निकाल के खा जाऊंगा। बेटा सबको पता है कि मोटी गर्दन वाले के मत का मारता है तू, समझ गया? हाँ फूट फूट, हम तो सबके साथ लगा हुआ, तेरे साथ लगा हुआ, लाला के साथ लगा हुआ, बनारसी के साथ लगा हुआ, ये जितने यार खड़े हैं सबके साथ लगा हुआ। रह गया बांके जी, कोई गमी नहीं है, न जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, छड़े छाट न खोली न खाट, मगर एक चीज का गम है मास्टर। वो पूछ किस बात का गम है? अरे पूछ ले किस बात का गम है। किस बात का? कसम हनुमान की अपना गम नहीं, औरों का गम है, यारों का गम है, दुनिया वालों का गम है, जालिम तेरा गम है। एक बात आ गई मास्टर, बस गाना हो जाएगा गम पे आज। काम पे तो कोई नहीं जा रही है, गाना हो जाएगा गम पे। कसम हनुमान के हंस दे। अरे हंस दे मास्टर, अपने बाके के लिए हंस दे। अरे हंस दे। तररम तररम, अररम तररम, दुनिया के कैसे कैसे रम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। कोई कहे मेरा पिया घर आए ना, किसी का निखटू मिया पैसा लाए ना, लाले को ये डर पैसा कोई खाए ना, और बुढ़े को फिकर बुढ़ी भाग जाए ना।
जख्म जिगर है, डर है, फिकर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। भाई 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 जख्म जिगर है, डर है, फिकर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम। मजनू ने खोली भैया प्यार की दुकान, लैला मांगे मजनू से दिल का लगान, कोई रोए दुख से लगाए कोई तान, एक मिस्टर शमशान जाए दूजा कब्रिस्तान। कोई बटलर है, कोई अफसर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। भाई 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 कोई बटलर है, कोई अफसर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम। दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया है क्या, खेल घड़ी भर का है छूट जाएगा, तेरा मेरा कुछ नहीं प्यार के सिवा, आँख जहाँ बंद हुई टच टचा, बिना पल भर है फिर मर मर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। भाई 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 बिना पल भर है फिर मर मर है, सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम। कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा और कहीं। सेठ जी, आज चार दिन पूरे हो गए। कैसे चार दिन? आपने इन लोगों से वादा किया था कि चार दिन के बाद इनकी मांग। हाँ हाँ, मांग क्या मांगते हैं ये लोग? बस एक महीने का बोनस दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बाकी आप संभाल लेंगे, और अगर न दूं तो काम बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, तो मैं मनीन जी से कह देता हूँ, सबको एक महीने का बोनस दे देंगे, आप जाइए। अच्छी बात है। क्या बात कैसे कैसे रुक गई थी? कह क्या रहा था सेठ जी, ये मास्टर मेरे सामने सब वर्करों को भड़का रहा था, अब माँ कसम अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें खोद रहा है। मेरी मानो तो इस मास्टर को पुटात कर दो। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं इंतजाम कर दूंगा। सेठ जी एक बात और, आप दो महीने से मेरे पगार बढ़ाने का वादा कर रहे हैं और हर महीने अखाड़ा कर जाते हो, इस महीने तो तुम अपने आदमी हो, कैसी बात करते हो? समझ लू जी। हाँ मिस्त्री, आज भी बाबा ने भेजा है? हाँ जी, नहीं आज तो आप ही आया। मगर अब तो कोई झटक नहीं टूटी हुई, आज क्या मरम्मत कीजिएगा और बाबा भी घर में नहीं है। मगर ये मिठाई? मिठाई काहे की? क्या आपके यहाँ आठवीं लड़की पैदा हुई? जी नहीं, ये तो आपके लिए आया हूँ। मेरे लिए?
जी हाँ, मैंने सोचा कि आपको मिठाई खिलाऊं तो शायद आप अपने बाबा से मेरी नौकरी की सिफारिश कर दें। तो आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? जी नहीं, नजर दे रहा हूँ। सुना है मुंह मीठा करने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। ना बाबा, मैं बाबा के कामों में कुछ नहीं बोलती। अच्छा, मैं आपकी सिफारिश बाबा के पास करूं तो आप मुझे क्या देंगे? जो आप कहें, पर नौकरी मिल जाने के बाद आप तो जानती हैं मैं गरीब आदमी हूं। तो आप समझते हैं हर चीज पैसे से ही मिलती है? जी नहीं, पर साफ साफ क्यों नहीं कहती आप? अच्छा अच्छा, मैं फिर कहूंगी। हाँ, अभी तो बाबा के लिए मुझे खाना भेजना है, रोटी पकानी है, बर्तन साफ करने हैं, मसाला पीसना है। अब आप कहिए तो मैं कुछ मदद कर दूं। हाँ, मदद कीजिएगा। तो आइए, हुक्म कीजिए। मसाला पीसिए। मसाला? हाँ मसाला। कुछ मदद करो। पीसूंगा। पीसी? हाँ हाँ, पीसिए पीसिए। पहले पहले तो सब कुछ करती हूँ। जी, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, मेरी तो आदत है काम करने में अपने आप से बातें करती हूँ। गुलामों की तरह काम करती हूँ। मिठाइयाँ लाते हैं, मसाला पीसते हैं, तरह तरह के बहाने बना के घर में आते हैं। भगवान जाने इन्हें कैसे पता चलता है घर में कोई नहीं है। पहले तो मिस्त्री बन के आ गए, कहने लगे तोता पाला है, पाला तोता अच्छी तरह। अजब जमाना, भगवान खूबसूरती देता है तो मिजाज नहीं मिलता। जी कुछ नहीं, आपकी तरह काम करते हुए बोलने की मुझे भी आदत है। तीर कमान लिए लिए घूमते, आंखें चमका चमका के कलेजा निकाल लेते, ऊपर से मसाला पिसवाते। बेचारा मोहब्बत का मारा सब कुछ करता है, आखिर जाए भी कहां। तू यहाँ का काय को गुस्सा होता भाई? आप ये पूछने को आया था कि तुम्हारे शादी में हम शहनाई बजाएंगा तो क्या बजाएंगा? दादरा बजाएंगा, भैरवी बजाएंगा, ठुमरी बजाएंगा, काला पहाड़ बजाएंगा, बगदाद का चोर बजाएगा, क्या बजाएगा, सबको लंबा लंबा। दादा ये कुछ बात है पूछने वाली, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा बजाएगा कि नहीं बजाएगा। अच्छा, बजाएगा कि नहीं बजाएगा? ए भाई बहुत हो गया, अब मामला लंबा होता जा रहा है, बात बाहर जाएगा। अभी जो उसका बुढ़िया आएगा ना तो ये मसाला तुम्हारे सर पे पीसेगा और हम मुल्ले वाला है ना तो हमारी नाक पे पीसेगा। अब तुम हवा नहीं दो, बाहर जाओ। चलो किसको, चलो बहुत हो गया, चलो बहुत हो गया। आज देर हो गई इसलिए भागे भागे आ रहा हूं। बोल मास्टरनी जी, दिल का क्या हाल? ये सिखाया है ऐसा प्यार जंगली किस्म। अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से पूछ। बोलते भी बहुत हैं आप। बाजा बजेगा नहीं तो मालूम कैसे होगा सुर में है या बेसुरा? बेसुरा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बेसुरा था बेसुरा, मगर एक बात है, तेरी उस्तादी स्कूल में बच्चों के साथ चलती होगी, अपने साथ नहीं चलेगी। मैं सीधा विदा नहीं हूँ, बहुत होशियार हूँ। हाँ, अगर आप बहुत होशियार होते तो मैं आपसे प्यार कभी न करती। ये 3 नंबर से यहाँ 15 फीटर 4 कुली काम करते, कुछ सामान तो वहाँ है और कुछ उधर, और बाकी सामान 2 नंबर से। अब बाकी जी क्या हो रहा है?
एक बात कहूं मास्टर? कहो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है ये तो तू जाने, फिर इस छोकरे पर इतनी मेहनत कर रहा है, मैं पूछूं तेरे किस काम आवेगा? मैंने सोचा है बाकी जी, इसके साथ बेला की शादी कर दूंगा। मुझे यकीन है जहेज में कुछ देना वना नहीं पड़ेगा। लड़का काम धंधे से लग गया है, मेहनती है, शरीफ है, सभी बातें तो ठीक हो रही बाकी जी, फिर मैं चिंता किस बात की करूं? आपसे मिलने का वादा तो था ही, फिर मैंने सोचा कि अच्छी खबर यहीं आकर के उन्हें सुना दूं आपको। चलिए हम आप कहीं अकेले में बैठ के बातचीत करें। आइए मास्टर, तुम वहां बैठ के बात करो। हाँ हाँ, मैं यहाँ पहरा दूंगा। तशरीफ रखिए। मैं ज्यादा नहीं बैठ सकूंगा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। आपके आने से बड़ी खुशी हुई। मैं यही अर्ज करने आया हूँ कि आप मुहूर्त निकलवा लीजिए, मुझको जमुना बेटी का रिश्ता किशन जी के साथ बिल्कुल मंजूर है। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर मैं चाहता था बेला रानी की शादी पहले हो जाती तो अच्छा था, मैं तो उन लोगों से बातचीत कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर बात कर चीज। अबे मेरा टायर रखा है, वहां लेने जा रहा हूँ। वहां पलटन का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वहां जाना मना है। बांके जूता चल जाएगा। अबे वहां जाएगा तो पलटन की पलटन साफ हो जाएगी। ये बात है तो फिर आ जा। ओहो, मेरा कहने का मतलब है कि वहां एक अच्छा काम हो रहा है, तेरी शक्ल देखेंगे तो बनता काम बिगड़ जाएगा। खड़ा वोट डालूंगा, मार डालूंगा। आजा आजा आजा। अबे भाग जाएगा क्यों नहीं? अबे नहीं भागूंगा, मार मार के खोपड़ी पंचर कर दूंगा। आजा 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 मैदान में। तो फिर यही लड़ ले, मैदान का बहाना क्या कर दिया? जहां लड़ाई वही मैदान। आजा। बहुत दिन से जी कर रहा था आपसे मिलकर कुछ बातें करूं। बहुत ठीक ही आपने जवाब आए, कितना आनंद हुआ आपको। बेला और अशोक की शादी की बात करनी थी, किसी रोज हम सब मिलकर बैठ जाएं और इस नेक काम को तय कर दें। तय करने जैसी बात ही क्या है, सब तय है। बस इतना है कि अशोक की भी दो बहनें हैं, उनका भी तो ख्याल है। तमन्ना है कि हमारे जीते जी वो भी ठिकाने लग जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भगवान करेगा तो उनका भी ठीक होगा। जमाना अजीब है और अपनी बरादरी के दस्तूर भी अजीब है। 3,000 रुपए नकद उनके जहेज में देंगे तब कहीं उनकी शादियां हो सकेंगी। सोच रखा था शादी पर अशोक की ससुराल वालों से जो पैसे मिलेंगे उसी से लड़कियों को ब्याह देंगे। मुझे मालूम है, जमाने के उल्टे सीधे दस्तूर गले में फंदे की तरह पड़े रहते हैं। अच्छी बात है, फिर मिलेंगे, इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको रुपए दूंगा, जरूर दूंगा, मैं आपकी मजबूरी जानता हूं। अभी जा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकता हूं? आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपसे जो उस दिन बातचीत हुई मैं उसी सिलसिले में आया हूँ, अगर तय कर डालें तो सबके लिए ठीक है। जी हाँ जी हाँ। बेटी ये तो बहुत नेक बात है, राम चाहेगा कि सबका अच्छा होगा। शादी की तारीख और पैसे की बात रह गई, बाकी तो सब ठीक है। पैसों की बात? बेला की शादी भी तय हो चुकी है, 3,000 रुपया नकद देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आपकी तरफ से हमें क्या मिलेगा। 3,000 से ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ये कोई व्यापार तो नहीं है,
सबकी मजबूरी। भटनागर जी, यूं तो किशन जी 10 लाख बल्कि 10 करोड़ में भी सस्ते हैं। ऐसा नेक और अच्छे घर का लड़का मिलना नसीब ही से होता है। मगर आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से बेकार हूँ और 3000 घर में तो 3 रुपए भी मुश्किल से निकलेंगे। और मैं ये समझे हुए था कि आपस की बात है, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं उठेगा। हाँ हाँ, मगर मैं क्या करूँ, आखिर बेला को भी तो ब्याहना है। देखिए, आपने समझने में भूल की, बगैर पैसे के कैसे चलेगा। देखिए, एक बार आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। अरे भैया, तुम किधर जा रहे हो, मिठाई नहीं खिलाओगे? काहे की मिठाई? बाबा वहाँ गए थे तुम्हारा लगन पक्का करने। हाँ सब पता है, मगर है काम बाबा। मुंह फुलाने से काम नहीं चलेगा, मैं पूरा जोड़ा लूंगी, वो कंगन, वो बनारसी साड़ी। और क्या बात है, मैं कहता हूँ आप मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे मैंने क्या किया? आप जमुना के पिताजी के पास मेरा सौदा करने क्यों गए थे? तो बेटा, कोई गुनाह नहीं किया, ये तो दुनिया करती है। हाँ बाबा ने ठीक ही तो किया, नहीं तो तुम्हें फोकट में ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी इसलिए कि तुम्हें तो मालूम है कि बाबा ने तुम्हारे लिए तो पैसा जोड़ रखा है, उन बेचारों के पास कुछ नहीं है। बड़े बेचारे, अगर पैसा नहीं है तो कर्जा ले, मकान बेचारे बेची बहना कोई खेल नहीं है भैया। बेटा किशन, बेला सच ही तो कह रही है, हमें भी तो बेची बहना है, हमें भी तो किसी को पैसा देना है। हमें भी तो बेटी ब्याहना है, हमें भी तो किसी को पैसा देना है। सुन रिया है मास्टर? हाँ, मैं कहता हूँ मेरे नाम पे कोई सौदा वौदा नहीं होगा। अरे बेटा झगड़ा न कर, तेरी मर्जी नहीं तो एक पैसा नहीं लूंगा, एक कौड़ी नहीं लूंगा, हम ऐसी लगन कर देंगे, अब तो खुशी मेरा बेटा। अब मांग क्या मांगती है? बाकी जी साड़ी, हाँ, कंगन, हाँ, और क्या लाओगे? सब ले आऊंगा। हाँ। अरे मैं कह रही हूँ मास्टर, अब क्यों नहीं हंसेगा, अब तो किशन महीना दो महीना दिन रात हंसता रहेगा, तू पहले शहनाई तो बजवाओ। आई बारात बाजे गाजे से, 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 आई बारात बाजे गाजे से। आज मेरा झूला नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा झूला नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। ताज बिना माथे पेशान है, देख लो कैसी आन बान है, ताज बिना माथे पेशान है, देख लो कैसी आन बान है, बिना फौज के जीत लिया है, बिना फौज के जीत लिया है, किसी के दिल का जहान हो, किसी के दिल का जहान हो। धमाके से हूँ लड़ाके से, आई बारात बाजे गाजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। ये ताज
तमाशे एक बार के सारे तमाशे एक बार के ढोल ये ताशे एक बार के सारे तमाशे एक बार के दूजा डोला उठे उसी दिन दूजा डोला उठे उसी दिन जब जाए गंगा के पार हो जब जाए गंगा के पार हो धमाके से धूम धड़ाके से आई बारात बाजे गाजे से आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से आई बारात बाजे गाजे से आई बारात बाजे गाजे से औरत जात है आदमी क्या बोले मगर मैं तुझे खाली औरत जाति कैसे कहूँ बदन से ऐसी बेहोश कर देने वाली खुशबू उठती है कि फूलों की शहजादी भी कहूँ तो चलेगा चलती है तो मालूम होता है अभी दिल में उतर आएगी मगर हम भी किसी से कम नहीं है तेरी अपनी शान है हमारी अपनी शान है सोचता हूँ बहुत तो घर में आ गई मगर दामाद के आने में गड़बड़ नजर आती है हाँ। यही बात है बाकी जी सोचता हूँ उससे से 3,000 रुपए मांगू अरे तो जरूर मांगू तुम्हारे सिवा और किसी हक है मांगने का 10 बरस उस गधे की मरमर के नौकरी करी है तुमने एक बात कह रही हूँ मास्टर ख्याल रखना पैसे वाला दो चीज से मार खाता है या तो पैसे से और या लात से कहने का मतलब ये है कि हक मांगना भीख न मांगना नमस्ते सर बेटे की शादी मुबारक हो घटना कर जी बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात है जी गंगा जी में स्नान करने आया हूँ मतलब कहो बेटी की शादी करनी जरूर करो बड़ी खुशी की बात है कब है जब आप मदद करते मदद अरे भाई भगवान का काम इंसान से लेने आए हो मदद का काम तो भगवान का है ऐसे जी बस 3,000 रुपए की जरूरत है 3,000 क्या कह रहे हो भटनागर 3 रुपए तो मांग के देखो वो भी नहीं दे सकता अस्सी जी पर मेरी बेला का लगन कैसे होगा बाबा लगन रुक सकता है पर पेट नहीं रुक सकता घर किस तरह चला रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ अंदर की बात न कह लो बंद मुट्ठी लाद की और खुल जाए हाथ सेठ जी इतना बड़ा कारखाना 200 वर्करों की तनख्वाह और बस यही समझ लो जो कुछ आता है सब वर्करों की तनख्वाह में चला जाता है एक पैसा नहीं बचता आखिर वो लोग मेहनत करते हैं उनका हक तो नहीं मार सकता सच कहते हैं आप उनका हक नहीं मार सकते पर मेरा हक मार सकते हैं कब मारा मैंने तुम्हारा हक और क्या हक मारा 10 बरस तुम्हारे कारखाने में 14-14 घंटे काम किए बुरे से बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा वो दिन आप भूल गए जब एक टूटी सी लारी से लेकर धंधा शुरू किया था एक सिंगल चार और एक सूखी डबल रोटी पे आप दिन काटते थे और हमारी 3-3 महीने की तनख्वाहें चल जाती थी और मुंह से वो नहीं करते थे लेकिन आज मेरी बेटी के लिए 3,000 रुपया तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा मेरी तरफ कुछ आता हो बल्कि ईमानदारी से अगर हिसाब लगाओगे तो मेरा ही कुछ निकलेगा सेठ जी आपके बोलते हुए शर्म वाकई मुझे शर्मानी चाहिए भटनागर मुझे माफ कर दो मैं अभी तुम्हारी सेवा करता हूँ कुछ माफ कर दीजिए मुझे एक पैसा नहीं चाहिए मुझे नौकरी से अलग कीजिए मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सेठ जी
उससे पूछो कि मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरा वक्त जाया न करो। मैं आदमी को एक मरतबा निकालने के बाद कभी नहीं रखता। अच्छा ये भी ले जाए। सेठ जी, क्या है? झगड़ा करने आए? किससे बात कर रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ भाई। अरे लड़ने मरने आया हूँ, हिम्मत हो तो तू भी छाती तान के सामने खड़ा हो जा। मगर तुझ में हिम्मत कहाँ से आई? तू तो सोचेगा कि अगर मैं फसाद में मारा गया तो मेरे बाद मेरे माल खजाने का क्या होगा? एक बात कहूँ से, तू पैसा खाने वाला जानवर है और पैसे के बहाने आदमी को खाने वाला जानवर है। हा? अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। अबे हम खुद नहीं थूकते तेरी नौकरी पर और ठोकर मारते तेरे पैसे को। जहाँ अपना यार नहीं रहा वहाँ हम रह के क्या करेंगे? अबे इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा नाम अभी धर दे, हम तेरी नौकरी नहीं करना चाहते। अशोक मैं जा रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मेरी तंदुरुस्ती ने बिल्कुल जवाब दे दिया है और डॉक्टरों ने भी मुझे आराम करने के लिए कहा है। तुम अपने काम को मेहनत से दिल लगा कर करना और अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे घर पर आकर पूछ लेना। मैंने तो नौकरी अपनी खुशी से छोड़ी है, मैंने इस्तीफा दिया है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं एक मिनट नहीं रुक सकता यहाँ। चलिए आप। अशोक मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी जगह पे काम करोगे। तुम ये मैं समझना कि तुम्हारे में से कुछ हुआ। हाँ मगर मैंने तो सुना कि सेठ ने आपकी बेइज्जती की। तुमने शोरगुल सुना होगा बेटा। तुम नहीं जानते सेठ का और हमारा 10 वर्ष का पुराना संबंध है। कभी कभी नरम गरम बातें हो ही जाती है। अशोक मैं तुम्हें अपने किसी जैसा प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। मगर मैं तो मगर वर कुछ नहीं, बात समझा करो। मैं लड़की का बाप हूँ, इससे तो कुछ नहीं कह सकता। जाओ काम करो और सब लोगों को काम लगा दो। भाई छोट बाहर, तुम घाट के ऊपर जाओ, घाट के ऊपर। एक आठ बैरेज, एक आठ बैरेज। अपन इलाका, अपन इलाका। ए शंकर क्या करता है तुम? ओ शंकर ए शंकर मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अभी टायर बज रहे हो, तुम टायर बज रहे हो, तुम टायर। ओ शंकर और भी चलो, और भी चलो, और भी चलो। पैसे कहाँ से लाओगे? वो जहाँ होगा वहाँ से लाऊंगा। मकान से, दुकान से, सेठ से, संदूक से, ठीले से, गड्ढे से, कोठी से, तिजोरी से। सुन मास्टर, नहीं संसार में ऐसे कोई ताले जिसे बाकी न पल में तोड़ डाले। अरे कहने वाले ठीक कहा है कि देखने वाला मेरी कर्तव्य का तमाशा देखे और जो अंधा है जन्म का वो भला क्या देखे। इसीलिए कह रहा हूँ मास्टर की कसम हनुमान की और कसम बात परवरदिगार आलम की, दोनों नाम में बरकत है। चाहे चोरी हो चाहे दान, जिस काम में हाथ डालो कल्याण। मुंह लाल लाल खीसा माला माल, बस मन साफ होना चाहिए। नहीं बाकी जी, एक तो पाप, दूसरे जान का खतरा। अब तो जो किस्मत में होगा वही होगा। मास्टर किस्मत 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 और तकदीर, बस इसका नाम न लिया कर तू। तकदीर का तो ये हाल है कि अगर कफन की दुकान खोल दे तो कसम हनुमान की शहर में लोग मरना छोड़ देंगे। और भैया तकदीर बांटने वाले का भी अजीब हाल है कि जिसने गर्दन उठा के मांगा सोने की थैली रख दी उसकी गर्दन पे, गर्दन झुका दी, और जिसने खुद ही गर्दन झुका दी तो ऊपर से देह जूते और देह लाल। तो भैया हम मजदूरों की तकदीर का क्या है? मर मर कर तू अपना काम जपता जा पर भगवान नाम। मेरी बात जी, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए। भैया मास्टर पैसा भी कोई बकरा है जो हराम का हलाल का होगा? मैं तो कहता हूँ तू सरकारी छाप देख लीजो छाप। नहीं बाकी जी, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, मर जाऊंगा मगर ऐसे पैसे कभी नहीं दूंगा। अरे मगर कोई तेरा बाबा बैठा हुआ जो 3,000 रुपए गिन के तेरी नाक पे रख देगा? मैं कह रहा हूँ मास्टर, 7 जन्म मर के जिएगा तो 3,000 से अपनी भेंट नहीं होगी। और एक बात और कह देता हूँ कि 3,000 कोई हाथ पाँव नहीं कमाता, तरकीब चाहिए तरकीब। अब भैया तू सोच ले, रात को 12 बजे बुला देगा तो हम हाजिर।
मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं नौकरी के लिए आया हूँ, क्लर्की भी कर सकता हूँ, रुपए पैसे का हिसाब भी रख सकता हूँ। कह दिया है, खाली जगह नहीं है हमारे पास। तेरी माँ समझती है मैं मरने वाला हूँ, कभी नहीं हो सकता है। तो जानती है जो बात मैं कहूँ तो जरूर। अभी अपनी बेटी का लगन करना है। अपनी बेटी का ब्याह करना है, अपनी बेटी के हाथों का मेहंदी देखना है। अरे शहनाई वाला मिला था, मैंने उससे कहा शहनाई जाएगा, धूमधाम से शादी होगी, शहनाई बचेगी, शहनाई। मेरे दिल से क्या आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आप नहीं समझे, शहनाई की आवाज आ रही है, शहनाई की आवाज आ रही है। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। बाजार से ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा, 15-20 रोज में ये अच्छे हो जाएंगे, कुछ 20 रुपए की आएंगी। घर की लक्ष्मी लक्ष्मी ढूंढ रही है। डॉक्टर दवाइयाँ लिख गए हैं 20 रुपए की। 20 रुपए? अरे भाई वो 50 के लिख देते तो उनका कोई क्या कर लेता। तो क्या आप दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं देंगे? क्यों, जो बीमार हो तो आप ये? मगर आप बीमार हैं, आखिर वो पैसे किस दिन के लिए जोड़ रखे हैं? खूब समझता, तुम सबकी नजरें उस पैसे पे करी हुई है जो मैंने बेला की लगन के लिए जोड़ रखा है। मैं उस पैसे एक पैसा नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, आप कुछ कर दीजिए, आराम कीजिए। हाँ, नहीं दूंगा, मैंने अपनी बेटी के लिए रख दिया है। बाबा बाबा आप मेरी फिक्र न कीजिए, मेरी फिक्र न कीजिए बाबा। क्यों ना फिक्र करो, जो कहा है वो जरूर करूँगा। माँ जी आज वो तनख्वाह लाएंगे, उनसे 20 रुपया लेकर दवाइयाँ लाएंगे। आप परेशान न होइए माँ जी। नमस्ते, आइए ना। जीती रहो बेटा। कैसे हैं आप? आइए आइए आइए, आप समझ रहे होंगे भटनागर जी मर गए। अरे साहब, बिना आपकी इजाजत के हम कहीं मर सकते हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है, वही मतलब है ना, मैं समझ गया। 3,000 रुपए की बात है ना, कहिए, वही बात है ना? जी हाँ जी। बेशरम जी। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, दुनिया को कह रहा हूँ, दुनिया की रीत को कह रहा हूँ। बेटे बेचते हैं, दाम लगते हैं, नीलाम की बोलियां लगती है। सच सच, क्यों ना बेचे, खून पिला पिला कर जवान करते हैं, कुछ तो फायदा उठाना ही चाहिए। आखिर कोई बाग लगाता है तो फसल तो बिकनी चाहिए, है ना कच्छाम जी? है? क्या ले आई बेटा? हाँ, महाशय जी को चाय पिलाओ, पुराने जन्म का कर्जा वसूल करने आए। बैठिए बैठिए, मैंने आपका कुछ नहीं कहा, बैठिए। पुराने रस्म रिवाज से आप भी मजबूर है, आपकी भी दो दो जवान बेटियां हैं, आपको भी यही दिन देखना पड़ेगा। पर मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा,
अपनी अर्थी आप सजाओ। हाँ। पर महाशय एक बात है, इधर देखो, इधर देखो ना, मेरी ये चांद सी बेटी ले लो, इसे मैंने दूध पिला पिला कर जवान किया है, कोई पानी पी पी कर जवान नहीं हुई। चलिए आज टहलते हुए 3000 लेने को, कलेजे का टुकड़ा भी लेंगे और पैसे भी लेंगे। समझ नहीं होगी, तेरा बाप पागल हो गया है, मेरी जगह तू भी होती तो तू भी पागल हो जाती। तू क्यों रोती? तू समझती है मैं पैसे नहीं दूंगा? मैं जरूर दूंगा, आखिर जोड़ जोड़ कर रखा है किस लिए? तेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। अच्छा हुआ तो आ गया बेटा। अच्छा नहीं तो क्या, ये लो। क्या है ये? अरे बाबा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे बाल काले करने की चीज है। और ये रही साड़ियाँ, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी और ये लाल वाली तुम्हारी। और ये लो चूड़ियाँ, ये रहा काजल और ये जर्मनी कंघी, कांगे कंघी, जिसको जो चाहे ले ले। और ये रही सिनेमा की 3 टिकट, एक मेरे लिए, एक बेला के लिए और एक तुम्हारे लिए। जिंदगी में और है क्या? खाना पीना और मजे करना। अच्छा, बाकी के पैसे मुझे दे दो। अरे पैसे होते तो 2 रुपया 4 आने वाला टिकट ले आता, कहाँ है पैसे? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम सब खामोश क्यों हो? मैं पूछता हूँ क्या कोई मर गया? नहीं बेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे कहना है अपने बाबा के लिए थोड़ा जहर ही ले आता। क्यों लाता? ये क्या गरीब है, भिखारी है? इनके पास तो इतना पैसा है कि साल भर सुबह शाम जहर पी सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने 20 रुपए की दवाइयाँ लिखी। अरे मेरे पास होता भी तो एक पैसा क्यों निकालता? आज तो मैं जानबूझ के सारी तनख्वाह खर्च करके आया हूँ, अब तो निकालना पड़ेगा अपना गड़ा हुआ खजाना अपनी जान के लिए। अरे मैं मर भी जाऊंगा तो पैसा नहीं निकालूंगा, वो पैसा मैंने बेला की शादी के लिए रखा। हाँ मत निकालो, मत निकालो, कभी मत निकालो, वो पैसे कभी नहीं निकलेंगे, बेला की शादी में भी नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। माँ वो पैसे बेला की शादी में भी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं मंगूस घर में क्यों रहूँ? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास कौड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आज तक झूठ बोलता था, बहू मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बेला को एक बार दुल्हन बना के मेरे सामने लाओ, नहीं तो मेरा दम नहीं निकलेगा बाबू, मेरा दम नहीं निकलेगा। बेला को दुल्हन बना के क्या बकवास मचा रखी, ये क्या आफत है? उतार उतार। क्यों पटनागर जी, शर्म नहीं आती तुमको? आपको पैसे मिल जाएंगे, मुझे वहां ने बता दिया है कि पैसे किसके पास जोड़ रखे। लगन की तैयारी कीजिए,
आपको 3,000 रुपए मिल जाएगी। बताओ बताओ शहनाई बताओ शहनाई बताओ। कैसे कैसे रम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम। तर रम दुनिया के कैसे कैसे रम कहीं ज्यादा कहीं कम। दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया है क्या, खेल घड़ी भर का है छूट जाएगा। तेरा मेरा कुछ नहीं प्यार के सिवा, आँख जहाँ पूरी डट डट जा। जीना पल भर है फिर मर मर है, सब गड़बड़ है निकले है दम सोच आला की कसम। भाई 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 जीना पल भर है फिर मर मर है, सब गड़बड़ है निकले है दम सोच आला की कसम। छोटी सी जगह में कहाँ घुस रही है? शादी की रात याद है आपने क्या कहा था? शादी की रात थी, आज शादी की रात नहीं है। मुझे तो रोज आपसे मिलकर उतनी ही खुशी। शादी की रात तू पागल होगी। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मेरा दिल आपका दीवाना तो जरूर। तो ले जा अपने दिल को किसी पागल खाने में। मुझको अपने इस पागलपन का इलाज नहीं करवाना है, मुझे इस पागलपन में मजा आता है। मुझको इससे प्यार है। नींद किसको आती है आजकल जो सपना है? वजह भी तुझी को मालूम होगी। आप ही रुठे हुए हैं और आप ही वजह की बात करते हैं। बाबा का पैसा दबा के बैठ गई है और ऊपर से शिकायत करती है। बेला का क्या होगा कभी सोचा? घर पे क्या क्या गुजरेगी कभी इसका ख्याल आया है? सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या जानती है? नौकरी भी शायद चली जाएगी। कारखाने में अफवाह है बहुत से लोग निकाल दिए जाएंगे, फिर क्या होगा? दूसरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जमीन की छाती चीर कर हम उससे अपना हक वसूल करेंगे। जमीन की छाती से पत्थर निकलेगा, सोना भी तो निकलता है। एकदम से चली जाए यहाँ से, वरना मैं कहूंगा तुम सब के सब मर क्यों नहीं जाते कि मैं इन फिक्रों से आजाद हो जाऊं। बाबा के दोस्त मथुरा से कब आएंगे और पैसा कब मिलेगा?
पैसा जरूर मिलेगा। आपको सुनकर दुख होगा। मैं जरूर सुनूंगी। अशोक बाबू बाग में मुझसे मिलने आए। अशोक बाबू जिनको मैं अपना देवता मानती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी एक को देवता मान लेना बहुत अच्छी बात है। मैंने भी तो यही किया है। बड़े से बड़ा दुख हो, बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, लेकिन वो जब सामने आ जाते हैं तो सब भूल जाती हूँ। हर अंधेरा उनकी वजह से रोशनी में बदल जाता है। दिल टूटता है लेकिन फिर जुड़ जाता है। बेला बेला यकीन जान सब ठीक हो जाएगा। और जिस तरह मुझे मेरा प्यार मिल गया है उसी तरह सबको अपना अपना प्यार एक दिन जरूर मिल जाएगा। तेरा प्यार भी तुझे मिलके रहेगा। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं। पैसा तो जरूर मिलेगा। अगर फिर भी कौन कहता है कि प्यार की कीमत पैसा है। प्यार दादा तुम्हें आज तक नहीं लगा सकी है। प्यार कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। अरे माँ बाप पैसा मांगते हैं, किस्मत का सौदा नहीं चाहते। और इसीलिए मैं भी पैसा मांगती हूँ। बेला अशोक बाबू के बगैर न जी सकती है और न जीना चाहती है। अब कहिए बेला क्या करे, डूब मरे? मैं तुझे क्यों कर समझाऊं, कैसे बताऊं कि तू इतनी अच्छी है कि तेरे लिए मेरे दिल में प्यार ही प्यार है। मैंने आपसे प्यार नहीं मांगा है, पैसा मांगा है। कहिए कब मिलेगा, जवाब दीजिए कब मिलेगा, बोलिए बोलिए कब मिलेगा। सफेदरी अनेक रंग की होती है। गाय का दूध मीठा और भैंस के दूध से पतला होता है। कहिए मेरे बच्चे समझदार हैं या बुद्धू? मालूम से यही होता है, बहुत समझदार। इनकी माँ बेचारी मर गई, वो भी बहुत समझदार थी। आपका घर वाला जिंदा है? जी हाँ जी हाँ। बड़ा नसीब वाला है जो आप जैसी अच्छी बीवी उसे मिली। मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ। घर वाले के होते हुए भी आपको नौकरी करना पड़ती है, पैसे का लालच होगा? नहीं लालच नहीं, मगर जरूरत का तकाजा है, इसलिए कुछ पैसा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे लिए कोई सेवा हो तो जरूर कहिए, हम हाथ बटाएंगे। यार लोगों ने उसकी नौकरी छीन। दुनिया ने अपने भी टांके ढीले कर रखे हैं दोस्त। आज दिल बहुत उदास है। पैसा कुछ पास है? चुक्का मिल गया था आज। हम तो बिल्कुल भांत हैं। कोई दिल बहलाने की तरकीब हो सकती है चाली? सबसे अच्छी तरकीब है जहर खा के सो जाना। हम तो मर भी जाएं चार्ली, मगर पीछे वालों का क्या होगा? सबको साथ ले चलो, सुनाए वहां तो मकान भी बगैर पगड़ी के मिलते हैं और खाना पीना भी मुफ्त का मिलता है। कुछ और बंदोबस्त करना होगा। शराब कैसी रहेगी चार्ली? सुना है शराब से दिल बहल जाता है, दुनिया बदल जाती। अपनी जरूरत तो शराब से ज्यादा खाना है तो मिलता नहीं। कल से भूखे। अच्छा है तो ये ले और हम आज पी के देखते हैं। अच्छा रात को मोहल्ले में आ जाना, रात भर नाच गाना होगा, अपना मजा आएगा। आएंगे, हम भी नाचेंगे,
जी बहलाए। सीधे बैठो, हाथ नहीं हिलना चाहिए। बेला, ए बेला, पहले पहले सबको ऐसे ही करना पड़ता है क्या? ये तो बहुत कम है, चरखा बनना पड़ता है, चरखा। चरखा? तो मुझे भी चरखा बनना पड़ेगा। जरूर। कब? वो तो तुम जानते हो। लगन के बाद? देख बेला, अगर तेरा इरादा मुझे चरखा बनाने का है ना, तो मैं मकान वकान कुछ नहीं बनाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, अरे मकान में रहता कौन है? तो फिर मुझे तो बंगला चाहिए, छोटा। बंगला बन गया? बन गया। उसमें तरकारियां बोएंगे, आलू, टमाटर, गाजर, गोभी और वो करेले। जी जी जी, करेले नहीं? नहीं। तो फिर एक भैंस पालूंगा और एक गाय। लेकिन एक चीज जरूर पालना है। क्या? तोता। तोता? तोता। वो अशोक बाबू शेर कह रहे हो? कह जाओ कह जाओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत बहुत प्राइवेट है, तुम्हारी शादी नहीं होगी। कहाँ जा रही हो? तुम दोनों मेरी मानोगे, एक बात सुनो, तुम दोनों है ना शेर पीलो। भैया शेर पीलो, मैं सच कहता हूँ तुम शेर। बेला मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम दोनों शहर पी लो। भैया तुम क्या बक रहे हो? बकता हूँ, बकता है बड़ा, क्या क्या मस्ताने को क्या कहिए, दीवाना तो दीवाना दीवाने को क्या कहिए। कैसा शेर सुनाया है मैंने बेला, अब तो मैं कभी बन गया हूँ अशोक, मैं राज कभी बन गया। अरे अशोक अशोक वो तो भाग गया, वो जहर पीने गया। चुप रहो, तुमने शराब पी है? मैं शराब नहीं पी है बेला, मैंने वो पी है, वो गम गलत। शर्म नहीं आती तुम्हें शराब पी के घर आए हो? घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा बेला? आदमी शराब पी के सिर्फ दो जगह जा सकता है, कभी घर आता है, कभी जेल जाता है। तू बोले तो मैं जेल चला जाऊँ? जाओ के ना जाओ, मुझसे बात मत बेला। मेरी एक और बात सुनो, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो मेरी बहन बेला, मेरी एक और बात सुन लो। मैंने अपने एक दोस्त से कहा मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसने कहा शराब पी लो सब गम गलत हो जाएगा, तो मैंने पी ली। तो आपका गम गलत हो गया? नहीं बेला, सब उल्टा हो गया, जो गम भूल चुका था वो भी पलट के आ गए, गम गलत के बजाय गम पलट हो गया। अच्छा हुआ तुम्हारी ये हालत देखने से पहले ही बाबा मर गए। मैंने बाबा ही के कारण छुपी है बेला। बाबा ने क्या जुर्म किया था तुम्हें? बहुत जुर्म किया, जरूर जुर्म किया, पैसे नहीं बताए और मर गए। बताए क्यों नहीं, भाभी को तो बताया था। तुम्हारी भाभी चोर है बेला, चोर, उसने सब पैसा अपने सगे वालों के कलेजे में भर दिया है। साफ साफ क्यों नहीं कहते पैसे का? मुझे पैसे का गम नहीं है बेला, मुझे तेरा गम है बेला। मैं समझी, मेरी दो वक्त की रोटी में तुम्हें गलती है, मैं चली जाऊँ। हाँ तू चली जा, मैं यही चाहता हूँ तू चली जा, यहाँ तू चली जा। मेरी दो वक्त की रोटी गलती है तुम्हें, मैं चली। हाँ चली जा, चली जा। बाबा होते तो यही चाहते मैं चली जाऊँ। बाबा तो यही चाहते मर गए। सच बता भैया, सच बता। मैं बिन ब्याही बहन को अपने घर में नहीं देख सकता। तू चली जा बेला, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा बेला, चली जा, चली जा, मेरी बेला यहाँ से चली जाए, मेरी बेला के सहरा बंधे और खूब धूमधाम से शादी, और मेरी बेला इस घर से दुल्हन बनकर चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, चली जाए, चली जाए। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।
नहीं अशोक बाबू, अब कोई बातें नहीं रही, अब कोई बातें नहीं रही, अब कोई बातें नहीं रही। सुंदर सपने खत्म हो चुके, वो चांदनी रातें अब हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। तारों की छांव में रातें बिताने के आरज़ू अब कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। बात की कुछ न कहो, कुछ न कहो, कुछ न कहो, बस अपने बेला का दिल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए झूठ बोलो। कहो शुभ बाबू, तुम्हें दुनिया में किसी की परवाह नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं, सिवा अपने बेला से, मुझसे। बेटा, तुमसे यही कहने आया हूँ, कभी संसार की कोई परवाह नहीं। ये रीत रसम के पुराने पत्थर हमारे रास्ते में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। प्रेम सपने सच्चे करने के लिए मौत कम को अलग करना पड़ता है, मौत कम को अलग करना पड़ता है। मैं ये हथियार रहूंगा, हमेशा ध्यान रहूंगा। छोटे सहारों में कितनी जिंदगी है। नहीं बेला, झूठे सारे नहीं दिला, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं दुनिया के गंदे रिवाज की, न पैसे की, न पिताजी की। बेला में लगन करने से कोई नहीं रोक सकता, बेला कोई नहीं रोक सकता। बेला, अपनी जिम्मेदारियां समझो, तुम्हारे पिताजी को पैसा चाहिए। मैं सेहरा बांध कर तो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बेला, बेला, तुम्हारी बेला मर गई, भगवान के लिए तुम जाओ, तुम्हें यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बेला मर गई। बेला, बेला दरवाजा खोलो, बेला तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो, तुम्हें प्यार की कसम बेला दरवाजा खोलो। जानती हूँ, जीवन भर खून के आंसू रो रो के तुम्हें दुआएं दूंगी, तुम्हारा नाम ले लेकर मरूंगी, तुम्हारा नाम ले लेकर मरूंगी। दरवाजा खोलो बेला, दरवाजा खोलो। काली रात दिल बड़ा सताए, तेरी याद आए काली काली रात। अरे बिटिया रानी, इतनी रात गए? बांके जी, हम घर वालों से लड़ाए हैं। हम घर वालों से लड़ाए हैं। ओ, हाँ हाँ हाँ, बेटा अगर तेरा कसूर होगा तो तुझे दो चांटे मारूंगा, और उनका कसूर होगा तो उनको दो चांटे मारूंगा। मैं तो इंसाफ पसंद आदमी हूँ। बांके जी, कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए, हमने मामा के पास गाँव जाने का फैसला कर लिया है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है बेटा, मगर मैं भी तो तेरा मामा काका, समझे तो चाचा दादा सभी लगूं। और ये महल किसके लिए है? पर इतना जरूर है कि यहाँ सर्दी बहुत पड़े। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तोहफा ना पहन ले तू, बस ये ले पहन ले तोहफा ना। बस बेटा बैठ जा, मैं तो कहता हूँ ये तख्ते शाही किसके लिए ऐसा हनुमान की तख्ते शाही पे बैठी कैसी अच्छी लग रही है यहाँ। अच्छा तो तू यहाँ दरबार लगा, मैं टिफिन लेके आता हूँ। अब क्या खागी? अरे लड्डू, पूरी, कचौरी, जले गुलाब जामुन, जो के सो हाजिर कर दूँ। ऐसा हनुमान की अपनी बिटिया के लिए तो मैं परस्तान से परियां ला के नचा दूँ। मैं तो इतना जानू कि जंग है सो जंग है, तू इशारा करे तो बम्बार्डमेंट करा दूँ। हाँ, मगर कसम हनुमान की इशारा ना करियो, जरा ठहर जाइयो, मैं टिफन ले आऊं, ले तो भूखे पेट पलटन लड़ेगी कैसे। बाकी जी, हमको मामा के पास गांव जरूर जाना है। मगर बिटिया, मैं तो तेरी शादी की बातचीत थानेदार से पक्की कर रही हूँ। हनुमान जी, ये तो उसकी छाती और इतनी बड़ी बड़ी मूछे, और आज का तो ठिकाने क्या, जैसे शराब खाने की खिड़की। बेला को मनाने आए, मुझे माफ कर देना बेला, शराब के नशे में बैग गया था, नौकरी भी तो छूट गई थी, इसी वजह से मुंह से उल्टी सीधी बात निकल गई। तुमने झूठ नहीं कहा था, ठीक कहा था, तुम मुझे खिलाओगे अपना घर दर देखोगे, बिल्कुल ठीक है।
हम बेला के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तुम्हारी बेला का दुख हमारा दुख। खुद ही सोचो तुम्हारा खाते हुए मेरे दिल पे क्या गुजरती है। तू अपने भाई का खाती है किसी के बाप का खाती। तुम शादीशुदा न होते तो बात और थी। हिम्मत है उसकी जो तेरे बारे में कुछ कह सके। उसका दिल पत्थर के बराबर है। मेरे साथ घर चल, मैं सब ठीक किया रहता हूँ। अब तक कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? मैं सोच रहा था उसके पेट में बच्चा है, ज्यादा तकाजा करूंगा तो ना इंसाफी होगी, मगर फिर भी तू चल बेला, मैं सब ठीक कर लूंगा। चलो चल बेला। बाके जी को तो आने दो। वो तो घर के आदमी हैं बेला, तू चल चल, रो रो के माँ की जान आधी हो। चल बेला चल। बाबा का दोस्त मथुरा से क्यों नहीं आया? पैसा कहाँ डूब गया है? इतना झूठ चलाई। बेला को तुझी से शिकायत। वो तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, किसी की शिकायत का खा भी नहीं दिख सकती। ऊपर से तो उसका प्यार जताती है और अंदर से तेरे दिल में खोट है। तेरा बाप तकलीफ में था, हमारे बाबा का पैसा तूने जरूर उसको भेज दिया होगा। मैंने अपने बाबा को एक दमड़ी नहीं भेजी। तो फिर वो पैसा तो खुद खा जाना चाहती है। घर में इतनी तकलीफ रहती है मगर तू उस पैसे का नाम तक नहीं लेती। घर में भूख आती है, पका आता है मगर वो पैसा नहीं आता। तेरी छाती में पत्थर है, दिल नहीं है। कारखाने के मालिक की तरह तू भी जालिम और संगदिल है। तू बदल गई, धोखा देने लगी है तू। कभी किशन जी, तुमने बहू पे हाथ उठाया है, उसके पेट में बच्चा है और तूने उस पे हाथ उठाया है। एक होने वाली माँ से तूने हाथ उठाया है। आज तूने दुनिया की हर माँ पे हाथ उठाया है, लेकिन तेरा ये खेल उसी वक्त पूरा होगा जिस वक्त तू मुझ पर भी हाथ उठाएगा। मार, मुझे भी मार मार, ठोकर मार, चाटे मार, मार मारता क्यों नहीं? वो दिल कमी नहीं, बचपन में मेरा जितना दूध पिया है उसकी एक बूंद वापस करनी होगी। तेरे गंदे शरीर में मैं अपने दूध का एक कतरा भी नहीं रहने दूंगी। मार मार मार, मारता क्यों नहीं? मार मार, मुझे मार मार मार। पिछला कर्जा कब चुकाएगा? मरने के बाद। ये जानता है हम कौन है? हाँ, तुम पहलवान है। तुम अंदर शराब बेच के झक मारता है, हम पी के झक मारते हैं, और क्या। 8 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा ना मिला तो हम अपने डंडे से काम लेंगे। मैं इसका बाप हूँ, मैं बाप बन गया हूँ। कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, गोरा गोरा गोल मटोल सा। जमुना जमुना, मुझे इसकी कसम, मैं तुम्हारे साथ मारपीट फिर कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दिया है ना? अरे तुम बोलता नहीं, बोल 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 बोल। तुम्हारे बाप ने माँ से माफी तो मांगी है, फिर झगड़ा। देख कौन आया है। बेटा आज तेरी खूब मरम्मत होगी। मैं जोरों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। बोल क्या बोलती है, बोल बोल क्या बोलती है। आप जरूर काम ढूंढने के लिए किसी नहीं करते हैं। हाँ ये भी तो काम है,
दो चार आने की रेजगारी तो मिल ही जाती है। जुआ भी खेलने लगे हैं आप? नियत खराब हो तो जुआ, नियत खराब ना हो तो जुआ कौन कहेगा इसको, उल्लू कहेंगी। ये जुआ नहीं है, काम है। अच्छी बात है, मैं भी खेलूंगी सबके बीच में बैठ। काम तो काम। कहाँ जा रही? जुआ खेलने। ये बात शर्मिंदे पिल्लू और पानी में डूब मत। ये बात मैं तुझे उधर नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देंगे? नीयत खराब हो तो जुआ, और नीयत खराब ना हो तो जुआ कौन कहेगा इसे? तू जुआ खेलेगी? आप क्यों खेलते? मुझे मरने देना, तू मेरी फिक्र क्यों करती है? मरना ही होगा तो साथ मरेंगे, अब कहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं खेलेंगे। एक बात और भी है जो आपको नहीं करना होगा। हाँ मालूम है, मालूम है। क्या मालूम है? शराब भी नहीं पीना होगी, और नौकरी के लिए जहाँ जहाँ जाना पड़े वहाँ जाना होगा। बाबा का छाता है। हाँ हाँ बाबा का छाता है, मगर तुझे उसे क्या लेन देन है? छह आना मिलेगा, चलेगा। लव लव आपने सुनना पीने का वादा किया? किसने पिए? अरे हमको तो देख देख के नशा आ गया है, अपनी तस्वीर का और शराब का। पता ना होगा पीने के लिए पैसा कहाँ गया। दूसरों की झूठी नहीं पीऊंगा, अपनी पी है। अपने बाबा का छाता बेच के पी है, अब मालूम हो गया कहाँ से पी है। दुनिया को ठोकर लगा के पी। तुमने सचमुच बाबा का छाता बेच दिया है? बेटा मेरी साड़ी बेच दी होती, दो और फटे पुराने कपड़े वही बेच दिए होते, लेकिन छाता क्यों बेच दिया? आपकी शराब का बंदोबस्त कल कहाँ से होगा? तू चाहती है मैं कल भी पी के आऊं? वो कितनी अच्छी है तू, पीने से मेरी आंखों में मस्ती जो आ जाती है, जरूर तुझे पसंद आती होगी। जबी तो सोच रही हूँ इस मस्ती को खरीदने के लिए कल कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है जी, घर की इज्जत आबरू बेच के इस मस्ती को खरीदेंगे, उसके बाद माँ को बेच डालिएगा, मुझे बेच डालिएगा, और फिर अपने बच्चे को भी बेच डालिएगा। अब इसे उसका दाम भी किसी महाजन के साथ ठहरा दीजिए, तो अन्य चवन्य जो मिले उसको भी बेच डालिएगा, अपनी शराब के लिए, अपनी बत्ती के लिए। किसान कौन है तुम? कौन? कौन हूँ मैं? मैं पहलवान हूँ। 100 रुपए की उधार शराब पी रखी है इसने मेरी दुकान से, पैसा मांगने आया हूँ, पूरा 100 रुपया मांगने आया हूँ, घर दे जल्दी से, नहीं तो इसे बाहर भेज दे, मैं इससे निपट लूंगा। अपनी चीज को बुरी आदत पड़ गई है, जब ही तो अपना सर नीचा है, वरना तेरी हिम्मत थी कि मेरे बच्चे को इस तरह से धमकी दे? अरे मैं काड़ा करके भेज दूंगी, ऐसी हूँ। सामने भी हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दुनिया बोलती है कि हम शरीफ आदमी ना आए हैं, पैसे के लिए हम आदमी की जान ले लेते हैं। अरे ये तो 50 है, बाकी 50 का क्या? नौकरी जब मिल जाएगी दे दूंगा। अरे यार तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, तेरे पास इतनी पचकिला औरत जो है। खबरदार ये औरत का नाम लिया। अरे यार तू तो नाराज हो गया किशन, मैं तेरे लिए आधी बाटली लाऊं? और सुन किशन, जब तुझे दारू पीने की खुजली हो अपनी औरत से बोल दिया कर, 150 ला के दे देगी। मैं बदमाश।
हम निकाले। नहीं मैं पैसे दे दूंगी, छोड़ दे मुझे। अरे मैं बोलता हूँ किस निकम्मे से जिंदगी खराब कर रही हो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कोई मेरे जैसा कर लो, मेरे जैसा कमाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़। अच्छा माता जी मैं चला, 50 का बंदोबस्त कर रखना, और कभी मुश्किल पड़ जाए तो बहू के नाम पर 100-200 रुपए एडवांस मुझसे मंगवा लें। सुन लिया किशन तूने वो क्या कह गया? हजा बहू हजा, देख पी पी और पी, कल की फिक्र न कर, और उसके नाम पर बहुत मिल जाएगा। क्या इसी दिन के लिए मैं बहू लाएगी? किस रास्ते का आदमी तेरी शराब के लिए मेरे बहू का हाथ पकड़े? पी पी और पी और पी। पहलवान जी क्या है? तू गुंडा है? तू कौन है? मैं गुंडों का बाप हूँ। अपने जीते जी अपने मास्टर जी के घर जाकर मास्टर जी के घर वालों को धमकी देने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। किशन शरीफ आदमी था, चुप हो गया, मगर मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, मैं बाका हूँ। तू बाका? तो मैं तुझे अभी सीधा किए रहता हूँ। अपना काम करो, मैं तुम्हारे बाबा से 2 मिनट बात करके आती हूँ। आपसे दो बातें करनी है। मालूम होता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। याद होगा एक दिन आपने कहा था तकलीफ हो तो मुझे बताना, मुझसे मदद हो सकी तो करूंगा। कहिए कहिए, शर्मा क्यों नहीं? मेरी मेरी ननन की शादी रुकी हुई है, 3,000 की बात है। कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा, कब चाहिए? लड़के वाले कह रहे हैं कि आज से बुधवार को शादी हो जानी चाहिए, अगर आज मिल जाते तो। बस इतनी सी बात? एक बात तो बताइए, फर्ज कीजिए ये रकम आपको न मिले तो शादी रुक जाएगी और मैं मरने के बाद भी बाबा की आत्मा को मुंह न दिखा सकूंगी। क्या कहा आपने? मैं आपका मतलब नहीं समझा। बाबा के मरते वक्त मैंने उनको वचन दिया था कि किसी तरह भी पैसे का इंतजाम करके बेला की शादी कर दूंगी। बहुत सख्त वचन दिया था। मतलब इसका यह है कि आप किसी तरह और किसी भी कीमत पर रुपए का इंतजाम करने को तैयार? परमात्मा कसम, आज से आपकी कीमत मेरी नजरों में हरार गुनी ज्यादा हो गई। सच कहता हूँ, इतना भयानक वचन देने के बाद
हर कीमत पर उसका पालन करने के लिए अटल रहना बहुत बड़ी बात है। आपको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं, आप बहुत ऊंची हैं, बहुत। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी स्त्री मिल सकी। खैर, इस वक्त 1500 दे जाइए और लगन की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी 1500 बुध के दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। मगर बेफिक्र रहिए, मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? मगर सेठ, हम लोग गरीब हैं, इसका सूद ब्याज कितना होगा? उसकी चिंता न कीजिए, इतना मामूली ब्याज लूंगा जो आप आसानी के साथ दे सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो इसकी मुझसे रसीद ले लीजिए। रसीद की आपसे क्या जरूरत है? आप जाइए और लगन की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाबा तेरी सोन चिरैया जावे अनजानी की नजरिया। ओ बाबा तेरी सोन चिरैया जावे अनजानी की नजरिया। ओ बाबा तेरी सोन चिरैया जावे अनजानी की नजरिया। ओ बाबा तेरी सोन चिरैया जावे अनजानी की नजरिया। घनश्याम लाल जी, ठीक तो कह रहा हूँ बाके लाल जी, अभी तक आधे पैसे नहीं आए हैं। कहाँ है वो पैसे? कहाँ है वो पैसे? मैंने वादा किया था कि दोगी। लाओ दो पैसे। कहाँ है? लाला जी शादी नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा जमना। कहाँ है वो पैसे? हाँ हाँ, पैसे मिल जाएंगे लाला, इतनी ज्यादती न करो। तुमने कोई चोरों से व्यापार नहीं किया, बस जरा भरोसा रखो। भरोसा भरोसा कुछ नहीं, पैसे आएंगे तो लगन होगा, नहीं तो ठंडे ठंडे बारात वापिस जाएगी। क्या कहा लाला? अरे कसम हनुमान की, बेटी का मामला है, हाथ पांव कटे हुए, वरना मैं मुंह तोड़ देता। भगवान की बेटी हो जाएगी। आपने जो वादा किया था पैसे कहाँ? हाँ पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, खिलाती हूँ। लगन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पैसे लाती हूँ। नमस्ते।
सेठ जी। नमस्ते। शायद आप भूल गए, आज बुधवार है, आपने 1500 रुपया भेजने के लिए। जी हाँ, मुझे याद। मैं इसलिए आई हूँ। मैं भी यही चाहता था कि आप आए। जैसा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, देर न कीजिए, वहाँ शादी रुकी हुई है। जी हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी राय बदल दी। क्या क्या आप रुपया नहीं देंगे? जी हाँ, मैं आपको 1500 नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं नहीं भगवान के लिए ऐसा न कीजिए, बड़ा वापस हो जाएगी, शादी नहीं हो सकेगी, मेहमानों के सामने मेरा मुंह काला हो जाएगा। इस वक्त मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ये पैसा कर्जा समझकर नहीं, दान समझकर दे दीजिए। दान? परमात्मा ने आपको धनवान बनाया, धनवान तो राम नाम पर बड़े बड़े दान किया करते हैं। बेशक दान करते, मगर उसमें भी कुछ मतलब होता है। मगर आपने तो वचन दिया था। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, मैं कहना चाहता था कि मैं 1500 नहीं दूंगा, 15000 दूंगा। ये रुपया हाले। लेकिन मुझे इतना रुपया नहीं चाहिए, आखिर ये सब क्यों? ये आपके समझने की बात है। आप मेरे मुंह से फायदा उठाना चाहते हैं? मजबूर आप नहीं, मैं हूँ। आपको मेरी मजबूरी से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेरा पति जिंदा है, मगर वो मुर्दे से बदतर है। ये मेरा बच्चा भी है, बहुत प्यारा है, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद लगन तोड़ना चाहती। की जमानत में बच्चे को मेरे पास छोड़ जाएगी। आपको वापस तो आना ही है, आपके पास नहीं रहा, मेरे पास रह जाएगा। लीजिए, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, और लीजिए। मगर देखिए, अब मेरी बदनामी आपकी अपनी बदनामी है। अगर आपने पुलिस या किसी और को इत्तला दी तो फिर शायद आपका बच्चा आपको वापस न मिल सके। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
मेरे पास आ जा मेरे बच्चे, मेरे पास आ जा। पूरा किया, मैं यहाँ आई पूरा किया। बहुत बुरा किया तेरी माँ ने, लेकिन बेटा करती भी क्या, मैं तेरी माँ सिर्फ एक साड़ी से तेरे बाप के घर आई थी, ये कर्जा कैसे चुकाती, मरते समय बाबा से वादा किया था, क्या वादा किया था, बेला की शादी करने का, शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से हुई, अब थोड़ी देर में परात निकलेगी तेरी माँ की लाश पर से, मैं बहुत खुश हूँ, तेरी माँ ने जान देकर दुनिया के रीत और वचन दोनों पूरे कर दिए, लेकिन बेटा बड़े होकर माँ का नाम सुनकर शर्मिंदा न होना, तेरी माँ ने जान दी है मगर अपनी इज्जत नहीं दी, इज्जत नहीं दी, मेरी कलियुगी, मेरी कलियुग जा मेरे बच्चे, आ मेरे बच्चे तेरे घरे लग जा, आखिरी बार अपनी माँ की दिल की धड़कनों को छाती से लगा ले, कि हमेशा के लिए खुश होने वाली है, भूख लगी है, नहीं पिला सकती मेरे बच्चे, तेरी माँ के दूध में तहस हो चुका है, मेरे बच्चे बड़े होकर अपने दोस्तों से कहना कि अपने दिल बेच के तुझे मिला है, उसके गरीब माँ बाप को बर्बाद करके नहीं, बच्चे मेरे दाल, ये मेरे दिल की आखिरी आवाज है, मेरे दिल की आखिरी आवाज, भगवान को समय तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया बाकी, मैं सच कहता हूँ, मुझे न मालूम कैसे मर गई, खुद ही मर गई, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, बाकी मैंने तो खाली दान देने के लिए बुलाया था, दान दे दिया हाँ। और खरीदा क्या, मैं पूछ रहा हूँ और खरीदा क्या, मगर वो तो खुशी का सौदा था, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, भगवान का तो मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था, तुम जानते हो मैं कितना खराब आदमी, मैंने आज तक किसी को इजाजत नहीं, नहीं तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, नहीं पर तुम तो मेरे पुराने आदमी हो, बाकी कारखाने में मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा, हर मुसीबत में सबका साथ दिया, और इस लड़की से तो मुझे बहुत हमदर्दी थी, बहुत हमदर्दी थी तुम्हें, बाकी इसका फसल
भटनागर माल तो मेरा बुरे वक्तों का साथी था और तुम भी उसके बुरे वक्त में काम आए। जब वो बीमार होने लगा तो मैंने उसे आराम करने का मौका दिया। हाँ हाँ, तुमने उसे आराम करने का मौका दिया और उसके बाल बच्चों की मदद की, उसकी बहू को अपनी बहू समझा। मास्टर मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई मास्टर, मैं अपने बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सका। मेरी बहू मेरे सामने मरी मगर मैं कुछ नहीं कर सका मास्टर, मैं कुछ नहीं कर सका। जान बख्शो, मत विदा दया करो बाकी, वो रुपया चाहिए ये सब ले लो, मगर मेरी जान बख्शो बाकी, मेरी जान बख्शो। ये क्या कर रहे हो बाकी? ये लक्ष्मी है, बहुत बड़ा पाप है, तेरा जलाओ। ऐसा ना करो बाकी, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ये मेरा खून है, ये मेरा खून, ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। ये और ले लो, और ले लो, और ले लो, मेरी जान बख्शो, मेरा घर ले लो, मेरा कारखाना ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, मगर मेरी जान बख्शो, मेरी जान बख्शो।